प्रभास की आने वाली नई मूवी कल की 2898 अपने को यहाँ पे जो है कब तक देखने को मिलने वाली है, बिकॉज अभी ये मोस्ट अवेटेड पिक्चर यहाँ पे बन चुकी है, बिकॉज इसका बजट जो है ना भाई सबसे ऊपर यहाँ पे निकल कर आ रहा है। मतलब इससे ऊपर किसी का बजट आप लोगों को देखने को नहीं मिला है, ठीक है। सुनने में आया कि इसका बजट यहाँ पे जो है आदि पुरुष से भी यहाँ पे ऊपर होने वाला है। एंड लिटरली यार ये जो मूवी है ना इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है, ठीक है। आप लोगों को तो बताइए प्रभास अब यहाँ पे जो है कोई नॉर्मल तरीके से तेलुगु स्टार या फिर दोस्तों साउथ इंडिया स्टार नहीं है, बल्कि दोस्तों वो पैन इंडिया स्टार है। एंड पैन इंडिया से ज्यादा वो वर्ल्ड स्टार जो होते हैं वो यहाँ पे बन चुके हैं, ठीक है। तो ये मूवी सभी के लिए यहाँ पे जो है काफी ज्यादा एक्साइटमेंट जो होती है वो यहाँ पे निकल कर आ रही है, जबकि मेरे को पता है इसको आने में अभी टाइम है, लेकिन फिर भी बुक माई शो के ऊपर इसके यहाँ पे जो है 95,000 से ऊपर यहाँ पे जो है इंटरेस्ट इसका यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। देखो सबसे अच्छी बात ये है कि देखो नाग अश्विन का भी यहाँ पे जो है IIT फेस्ट के अंदर यहाँ पे एक इंटरव्यू लिया गया था मूवी के बारे में, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे बताया था, ठीक है। तो उसमें भी यहाँ पे जो है काफी सारी चीजें यहाँ पे रिवील हुई थी कि यार देखो किस तरह की टेक्नोलॉजी इस मूवी के अंदर यहाँ पे जो है यूज होने वाली है। इस मूवी का ट्रेलर अपने को यहाँ पे जो है कब तक देखने को मिलेगा, क्या ये मूवी बाकी सारी मूवी से यहाँ पे जो है अलग होगी कि नहीं, इन सब के बारे में यहाँ पे जो है बताया था। तो मैं सब कुछ ट्राई करूंगा जितना मेरे को पता है कल्कि के बारे में आप लोगों को बताने का। तो प्लीज मेक श्योर वीडियो को पूरा जरूर देखना एंड लाइक कर दो फटाफट से यहाँ पे वीडियो को, ताकि इस तरह की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पे जो है रिलीज डेट क्या होने वाली है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है इस मूवी को यहाँ पे जो है इसी जनवरी को यहाँ पे जो है रिलीज किया जाने वाला था, मतलब ट्रेलर जो होता है इसी के अंदर आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है पार्ट वन यार दोस्तों, ऑब्वियसली बात है कल्कि का बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं, तो कल्कि का पार्ट वन तो ऑलरेडी यहाँ पे जो है कंप्लीट तरीके से बन चुका है, तभी इसका ट्रेलर यहाँ पे जो है जनवरी के अंदर आने वाला था, लेकिन इसको यहाँ पे जो है डिले कर दिया गया, बिकॉज ऑब्वियसली बात है सलार अभी जस्ट रिलीज हुई है, तो ऑब्वियसली बात है हैंड टू हैंड ट्रेलर डालना तो अच्छी बात भी नहीं है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें इसका ट्रेलर यहाँ पे जो है कब आएगा, तो देखो नाग अश्विन जो डायरेक्टर है इससे उनसे पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि 93 डेज के बाद उनको यहाँ पे जो है ट्रेलर देखने को मिलेगा, मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर अपने को यहाँ पे जो है कल की 2898 का ट्रेलर जो होता है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो यार ये एक ऐसी मूवी है ना, अगर ये चल गई इंडिया के अंदर यहाँ पे, तो देखो इंडिया के अंदर भी यहाँ पे जो है स्टार वॉर्स जैसी मूवीज होती है वो यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज उसके अंदर एक झलकी जो होती है फ्यूचर की झलकियाँ जो होती है 2898 के अंदर अपने को यहाँ पे जो है देखने को मिल रही है, ठीक है। इसका चलना बहुत जरूरी है इंडियन सिनेमा के अंदर। एंड देखो ये भी बात है, अगर पार्ट वन ही नहीं चला ना तो पार्ट टू मुझे लगता नहीं है कि आएगा, बिकॉज पार्ट वन के अंदर यहाँ पे जो है काफी सारा पैसा फूक दिया है एंड काफी सारा बजट जो होता है इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी लगा दिया है, ठीक। बात करें इसकी रिलीज डेट के बारे में, तो गाइस सुनने में आया कि आप लोगों को यहाँ पे जो है साल के अंत में यानी दोस्तों दिसंबर में अपने को यहाँ पे जो है मूवी देखने को मिलने वाली, जो कि मेरे को लगता नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है कि शायद इसको यहाँ पे जो है अभी एक साल और यहाँ पे लग सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो दिसंबर से पहले भी अपने को यहाँ पे जो है देखने को मिल सकती है, अगर मूवी यहाँ पे जो है कंप्लीट तरीके से रेडी होगी तो, ठीक है। तो ट्रेलर के बारे में आप लोगों को बता दिया, रिलीज डेट के बारे में आप लोगों को बता दिया, एंड होपफुली आप लोग भी यहाँ पे जो है कल की मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे मेरी तरह। अगर आप लोग भी एक्साइटेड हो, फटाफट जाके लाइक कर दो, गाइस फटाफट सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे।